देखते ही हैं कि भारत की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक अंदाजे के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में भारत की आबादी चीन को भी पीछे छोड़ देगी। तो इस आबादी पर लगाम लगाने के मकसद से भारत में राज्यसभा में पेश किया गया है एक बिल, जिसका नाम है पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल, हिंदी में बोलेंगे जनसंख्या नियमन विधेयक। तो ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है, यानी सरकार ने नहीं, राज्यसभा के निजी सदस्य की हैसियत से भाजपा सांसद राकेश सिन्हा ने इसे राज्यसभा में पेश किया है। अभी इस बिल को पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरना है, अभी ये कानून नहीं बना है। लेकिन इस बिल में है क्या, वो बीबीसी हिंदी की ओर से मैं कुलदीप आपको बता देता हूँ। बिल का सबसे मेन पॉइंट है एक फैमिली के लिए दो बच्चों की पॉलिसी। जो लोग ऐसा करेंगे सरकार उन्हें सुविधाएं देगी, जैसे कम रेट पर बैंक लोन मिलेगा, ब्याज ज्यादा मिलेगा बैंक में जो आप पैसा रखते हैं उस पर, और सरकार आपको नौकरी और एजुकेशन में प्रेफरेंस देगी। दूसरी अहम चीज है सरकारी कर्मचारियों के लिए। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको सरकार को एक शपथ पत्र देना होगा और उसमें लिखना होगा कि आप कानून आने के बाद दो से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे। और तीसरी चीज है नेताओं के लिए। अगर आप ये कानून आने के बाद दो से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो पॉलिटिक्स भूल जाइए, आप न विधायक बन पाएंगे न सांसद बन पाएंगे और किसी भी तीसरी चौथी तरीके से सरकार में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। अगर ये कानून पास होने के बाद से आपके दो से ज्यादा बच्चे हुए तो इसके लिए हैं कुछ पेनल्टीज, यानी कि कुछ सजाएं, जैसे कि आपको सरकार की ओर से सिलेंडर, पहला घर और तमाम चीजों पर मिलने वाली सब्सिडी हो जाएगी कम। साथ ही सरकारी स्कीम से मिलने वाली और सुविधाएं भी कम कर दी जाएंगी। लेकिन ये कानून उन पर लागू नहीं होगा जिनके पहले से दो से ज्यादा बच्चे हैं, कानून बनने के बाद ही उसका पालन करना होगा। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि ये बहुत अच्छा बिल है और इसका काफी समय से इंतजार था। ट्विटर पर उत्तराशदा ने लिखा है कि हमारे पास फूड पैदा करने लायक और रहने लायक जमीन बहुत कम है, इसलिए आबादी पर लगाम लगना बहुत जरूरी है। पर कुछ की अपनी चिंताएं भी हैं। कुछ अखबारों में लेख छपे हैं जो कहते हैं कि ये बिल सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का कर सकता है जिनकी जिंदगी काफी हद तक सरकारी सुविधाओं से ही चलती है। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूनम मुठरेजा ने डेक्कन क्रॉनिकल में एक लेख लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इंडिया की डेमोग्राफी को ये बिल ठीक से समझ नहीं पाया है। उन्होंने कहा है कि भारत में बच्चे पैदा होने की दर पहले से ही घट रही है। 2011 की जनगणना के हिसाब से 1991 से 2001 के बीच हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 21.5% थी, जो उसके अगले दशक में यानी 2001 से 2011 के बीच घटकर 17.7% रह गई। ये भी लिखती हैं पूनम मुठरेजा कि इस बिल का सबसे बुरा असर गरीबों पर पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें सब्सिडी पर मिलने वाला अनाज तक बंद हो सकता है। टीवी पत्रकार है फाय डिसूजा, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि इस बिल से भ्रूण हत्या यानी फीमेल फीटेसाइड को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़कों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इस मामले में चीन का एग्जाम्पल बार बार दिया जाता है। 1970s में चीन में शहरी परिवारों के लिए एक और गांव के परिवारों के लिए ज्यादा से ज्यादा दो बच्चे पैदा करने की नीति बनाई गई थी। जो नियम तोड़ते थे उनकी सैलरी काटी जाती थी और जेल तक भेजा जा सकता था। लेकिन इससे हुआ ये कि चीन में बुजुर्गों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ गई। फिर 2013 में चीन ने इस नीति में थोड़ा बदलाव किया, उन परिवारों को दो बच्चे पैदा करने की इजाजत दे दी जिनमें मदर या फादर में से कोई एक अपने मदर या फादर की इकलौती संतान था। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना, आई नो। लेकिन रूस का मामला एकदम उल्टा है। रूस अपनी घटती हुई आबादी से परेशान है, इसलिए वहां लोगों को एनकरेज किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। इतना ही नहीं, सात या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों या गोद लेकर पालने वालों को हर साल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद पुरस्कार भी देते हैं और इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ पेरेंटल ग्लोरी। इसमें पैसे भी मिलते हैं भाई साहब, करीब 50,000 रूबल यानी 55,000 रुपए। भारत में राकेश सिन्हा ने जो बिल पेश किया है अभी सदन में उस पर चर्चा नहीं हुई है। हो सकता है ये बिल आगे ही ना बढ़े, हो सकता है इसमें तमाम तरह के बदलाव सुझाए जाए। किसी को नहीं पता कि अगर किसी को एक बच्चे के बाद जुड़वा बच्चे हो जाएं तो फिर वो कानून के इस तरफ होगा या कानून के उस तरफ। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब इस बिल में नहीं है, लेकिन सदन के बाहर इसने चर्चाओं का एक पिटारा तो खोल ही दिया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस बिल के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए। और